नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल फोगा टेक्नो पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर है मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि 5 दिन में हम इतने 10,000 सब्सक्राइबर कैसे लेके आए, 5,000 सब्सक्राइबर कैसे लेके आए। यहाँ तक कुछ कुछ वीडियो तो ऐसे मिल जाते हैं कि 12 घंटे के अंदर, यानी 12 घंटे 10 घंटे के अंदर आप अपने 5,000 सब्सक्राइबर, अपने 10,000 सब्सक्राइबर, अपने 15,000 सब्सक्राइबर है वो बढ़ा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही है? इसके बारे में चलो आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। और जो जो नए नए जो यूट्यूबर हैं वो इस बात को ज़रूर समझे जो मैं आज बताने वाला हूँ। इस बात को आपको ज़रूर समझना है जो नए यूट्यूबर हैं जिनके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोगा टेक्नो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के जो वीडियोस देखते हैं कि आप 5 घंटे के अंदर अपने 10,000 सब्सक्राइबर लेके आइए अपने चैनल के ऊपर, आप 1 घंटे के अंदर अपने 1,000 सब्सक्राइबर लेके आइए, ऐसी कोई भी ट्रिक है वो यूट्यूब पर नहीं है। कोई भी ट्रिक नहीं है। आप ट्रिक बताते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं। वो क्या बताते हैं, ऐसे नहीं कि फालतू के कहीं से आप खरीद के ले आएंगे या फिर और इधर उधर से ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं से आपको सब्सक्राइबर खरीदना भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर अपने लेके आ सकते हैं, एक दिन के अंदर अपने 20,000 सब्सक्राइबर लेके आ सकते हैं। लेके आ सकते हैं, लेकिन किस केस में लेके आ सकते हैं इसके ऊपर डिटेल से बताता हूँ। देखो, सब्सक्राइबर लेके आने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो कंटेंट है वो अच्छे से देना होगा। अपने जो व्यूवर्स आपका जो वीडियोस देखते हैं, जितने आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, उनके पास आपकी जो आपका जो कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी हो चाहे वो ऑडियो की क्वालिटी हो, और उसके अंदर जो आप कुछ बता रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए और एक तरीके से वो सही होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप बता रहे हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं देखने वाले हैं वो उस चीज़ को कहीं खोजने जाएं, कहीं ढूंढने जाएं, कहीं इंटरनेट के बारे में आप बता रहे हैं वो वहाँ उसको देखने जाएं, उसको मिले ही नहीं। इस प्रकार का आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। आप जो कंटेंट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आप बता क्या रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से आपको बताना होगा। तब क्या होगा, आपके सब्सक्राइबर हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी ऐसे नहीं एक साथ में 20,000 आ गए, ऐसे नहीं। धीरे 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 यूट्यूब का एक रूल है यहाँ पर कि कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको काम है यूट्यूब के ऊपर, वो रोज़ाना करना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियोज़ है वो अपलोड करना पड़ेगा। अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है, देखिए। मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपने एक वीडियो अपलोड किया और आज मैंने आपका एक वीडियो देख लिया, भले ही मैं सब्सक्राइब ना किया हो आपके चैनल को, लेकिन कल आपने कोई वीडियो अपलोड किया तो वो वीडियो आपका मुझे मेरे ब्राउज फीचर के अंदर, यूट्यूब के ब्राउज फीचर में मुझे शो करेगा। जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे शो करेगा वो। अगर आपने आज एक वीडियो डाल दिया, मैंने आज वीडियो देख लिया और आप 20 दिन बाद में वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो आपका दूसरा वीडियो मुझे दिखाई नहीं देगा। यानी यूट्यूब का जो ये एल्गोरिदम सिस्टम है वो इतनी देर काम करता है कि आप वीडियो अपलोड करते हो, उसके तुरंत बाद में जो नोटिफिकेशन है वो भेज देता है, चाहे सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, ठीक है। हाँ, ये केस बहुत ज़्यादा सुने हैं कि यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन फीचर है वो जाता नहीं है। देखो, वो इस केस में आता है अगर किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके पास में कभी कभी नहीं जाता है, लेकिन ब्राउज फीचर में वीडियोज़ है वो आपका आ जाता है। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर्स वाली मैटर की। तो देखो, कंटेंट आप अच्छे देंगे तो कंटेंट आपका वायरल होगा, मतलब वीडियो आपका कोई वायरल होगा। और एक वीडियो आपका वायरल होगा तो एक वीडियो से आप 10,000 20,000 क्या आप लाख तक सब्सक्राइबर है वो ले सकते हैं। सेम केस मेरे चैनल के ऊपर आप देखते हैं, मेरे चैनल पर भी यही हुआ है। आप खुद देख लीजिए, मेरे 89.5 के प्लस सब्सक्राइबर, यानी 90,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो होने वाले हैं अभी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप खुद देख लीजिए कि मेरे जो वीडियो हैं वो वायरल हैं, जो वीडियो मैंने बनाए थे वो वायरल हुए हैं, उसके मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं।
बताओ कहाँ ट्रिक काम करेगी, कहीं ट्रिक है वो काम नहीं करने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के पास चले गए, किसी यूट्यूबर के पास चले गए, हाँ भाई बहुत बड़ा है तो एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसे किसी यूट्यूबर के पास जाते हैं जिसके सब्सक्राइबर 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो भी आपको एक साथ में 20,000 सब्सक्राइबर वो भी एक दिन में कैसे मिलने वाले, नहीं मिलेंगे भाई। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए और मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी रेगुलर मेहनत करते रहिए, कहीं मेरी तरह मत आप हो जाइए, कहीं आपने 1 महीने वीडियो डाल दिया उसके बाद में आपने वीडियो नहीं डाला। मैंने इस चैनल के ऊपर लगभग 11 महीने तक वीडियो नहीं डाला तो मेरे व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो देखो सब्सक्राइबर बढ़ाने का यही तरीका है, अच्छे से काम करो। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कुछ भी बोलता है। मान लीजिए आपको कोई ये बोलता है, अरे यार क्या वीडियो बना रहा है, तेरे तो व्यूज़ नहीं आ रहे। नर्वस नहीं होना है वहाँ पर, वहाँ नर्वस नहीं होना है, वहाँ आपको ये सोचना है कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, भाई 40-50 व्यूज़ आ रहे हैं तो ये इतने क्यों आ रहे हैं, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बस अपने कंटेंट में इम्प्रूव करते जाइए, व्यूज़ सब्सक्राइबर अपने आप आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे अपने चैनल आपके चैनल के ऊपर, और वहाँ से आपका चैनल ग्रो भी हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। सब्सक्राइबर की कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।